जल गई मेरी सब बतियां, लंबी हुई कारी रतियां, जाने जिगर है कितनी दूर, मन है मेरा चूर चूर, फिर कब मिलोगे मेरी, सुनो कहाँ है वो? अपने कमरे में है। तुमने पूछा उससे? पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फैसला कर चुकी है। वो अपनी अना के पाताल में उतर रही है और तुम उसकी मां होकर कहती हो कि वो फैसला कर चुकी है। कोई समझाओ उसे। आप उसे नहीं रोक सकते बाबा, वो शायद आपसे भी ज्यादा बेबस है। जो फैसले की बंदूक तान कर खड़ा हो वो क्यों बेबस होगा? बेबस तो हम हुए ना। आपकी बेबसी ये है बाबा कि आप उसे गलती करने से नहीं रोक सकते। बैठकर सोचिए, वो कितनी बेबस है जो अपने आप को गलती करने से नहीं रोक सकती। तुम्हारी भी तो गलती होगी। हाँ, जरूरत से ज्यादा हर चीज गलत होती है। तुम्हारे किस्से में जरूरत से ज्यादा क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा मोहब्बत। हाँ, पता चला है कि जरूरत से ज्यादा मोहब्बत से भी लोग उबता जाते हैं और ये उबता बाद में रिश्तों की सांझ को तोड़ देती है। मैं तो इस गलतफहमी में था कि औरत को केयर करने वाले मर्द से इश्क होता है और उस इश्क को पाने के लिए मैंने इतनी केयर की कि अब उसकी मोहब्बत भी नहीं है मेरे पास। ये कैसे हो सकता है? नजफ अंकल, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। शादीशुदा लड़की किसी और को जाने लगे तो वो सारी नामुमकिन चीजें मुमकिन हो जाती हैं। ऑल द इम्पॉसिबल्स बिकम पॉसिबल। सी माई चाइल्ड, मर्द और औरत में ना यही फर्क होता है। मर्द अगर भटक जाए ना रस्ते पर आ सकता है, औरत अगर भटक जाए ना रस्ते पर आती है ना रास्ते पर आने के लिए उसे रास्ता मिलता है। सुनना बेटा,
जो शरीक है हम सफर तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला जाए, वो शरीक हयात नहीं होता। And to be very honest, मैं किस्मत का कायल नहीं हूँ। अगर किसी के फैसले किसी पर लागू हो जाए तो मैं भी किस्मत को मार देता हूँ। किसी और से मोहब्बत करने लगी है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? मैं एक लड़की हूं लेकिन उसके इस हक को नहीं मानती। गलती और गुनाह का हक सबके पास होता है। मोतबर अम्मानी कहते हैं जो इस हक का इस्तेमाल नहीं करते। याद है तुमने सरमत और जरताब की शादी पर कसम खाई थी कि तुम सरमत को बर्बाद होता देखना चाहती हो। तो सुनो, सरमत बर्बाद हो चुका है। कैसे हुआ वो बर्बाद? तुम बर्बाद होना किसे कहती हो? मोहब्बत में लुट जाने को बर्बाद होना कहती हूँ। तो फिर वो लुट चुका है माहिन, मोहब्बत अब उसके पास नहीं रही। जरताब उससे डिवोर्स ले रही है। इम्पॉसिबल। जरताब उसका घर छोड़ के जा चुकी है माहिन। आर यू क्रेजी? वो तो उसकी बाहों में इस तरह बाहें डालकर फिरती थी जैसे दुनिया जहां की लड़कियों को चिढ़ा रही हो। सियासत पर बात करो तो मोहब्बत पर बात करती थी और हर बात के आखिर में कहती थी, यू नो माही, तुम सोच भी नहीं सकती कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। सब लोग मोहब्बत करते हैं लेकिन सबको मोहब्बत नहीं होती। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि सरताप डिवोर्स ले रही है। तो फिर मुझे सरमत के पास ले चलो। क्यों? जाकर थूकूंगी उसके मुंह पर। अब तुम नहीं थूकोगी उसके मुंह पर, वो थूकेगी। और जब वो थूकेगी तो वो थूकन हमेशा के लिए उसके मुंह पर रह जाएगी। इट्स ज़ावियर। तुम्हें लौट कर जाना होगा जरताब। हम जहां रहते हैं वहां सब तलाक को गाली कहते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को गाली दो। आप चाहते हैं मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर वापस चली जाओ। ये मुमकिन नहीं पापा। इसे किसी तरह मुमकिन बना लेते हैं, बैठकर बात करते हैं। चलो यही बता दो, सरमत का कसूर क्या है? देखिए पापा, ये कड़वा सही लेकिन सच है, मुझे अब उससे मोहब्बत नहीं रही।
और मोहब्बत का ना होना किसी रिश्ते को तोड़ देने के लिए काफी होता है। बस यही काफी नहीं होता जरताब, रिश्तों को बचाने के लिए बस वही मोहब्बत काफी होती है जो कभी होती थी। किसी ने कहा है, मोहब्बतें ना भी रहें तो भरम रहने देते हैं। प्लीज पापा, मैं बहरूप बदल के नहीं जी सकती। मैं खुद को बहलाने और उसका दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकती, जिसे मैं हमसफर नहीं मानती उसके साथ नहीं चलूंगी। ये बात उस वक्त तक तो दलील है जरताब, जब हम किसी को छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जब कोई हमें छोड़ते हुए यही बात कहे तो ऐसी किसी दलील को हम बेवफाई कहते हैं। जानती हूं पापा, सब लोग मुझे बेवफा समझेंगे, लेकिन मैं वफादारी का ढोंग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगी। हो सकता है आप मेरे सच को मेरी बेहद भी समझें, पर आई हैव टू टेल यू पापा, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? बताऊंगी तो आप ही खुश हो जाएंगी, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगी। उठकर तैयार हो जाएं, कहीं चलकर सेलिब्रेट करते हैं। मैं इस दिन को यादगार बनाना चाहती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट, है ना? लेकिन बात क्या है? डिनर के बाद बताऊंगी, आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट है। ओके ओके। जानते हो क्यों खुश है? वो सरमत का घर छोड़कर जा चुकी है। जरताब, हाँ, अब बहुत जल्द तुम सुनोगे कि वो उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी। मियां बीवी होती है लड़ाई, यहाँ फिर सुलह हो जाती है। सुलह नहीं होगी जर्जीस, तलाक होगी, और वो रोता हुआ आएगा हमारे पास। हमारे पास और कहाँ जाएगा? आदमी को जब ठोकर लगती है ना, तो वो उसी जगह जाता है जहां उसने ठोकर मारी हो। हंस क्यों रहे हो? उसके वापस आने पे हंस रहा। आने तो दो। जैसे उसने मेरी माहीन की मोहब्बत को लात मारी थी ना, उसी तरह मैं उसकी पीठ पर लात मारूंगी। डबल 50, दो जोकर है मेरे पास। एक जोकर मेरे पास भी तो है। नायला बेगम, जोकर अगर काम ना आए तो निरा जोकर सरमत की तरह। राइट। हेलो, मैं फसी बोल रहा हूँ सरमत भाई। हाँ फसी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर सुना है आप ठीक नहीं हो, है ना? हाँ। क्यों चली गई वो? मुझे भी यकीन आ जाए तो कुछ बताऊँ तो है। कुछ है सरमत भाई, कोई खेल खेला जा रहा है। लेकिन फसी, अब तो खेल खत्म होने की विसल बज चुकी है। हार मत मानना सरमत भाई, कई लोग तो बस आपके हार जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या करूं? कुछ भी हो जाए सरमत भाई, आप जरताब को डाइवोर्स ना देना।
मैंने कभी उसकी कोई बात टाली नहीं फंसी। आप टाल कर तो देखो, बहुत कुछ टल जाएगा। ये सब कहने के लिए किसी ने कहा है तुम्हें? मेरे दिल ने कहा है। कभी कभी दिल को सुनो तो लगता है दिमाग से तेज काम करता है। बाय। Yes, come in. Hello, hello. Coffee. Thank you so much. मैंने अपने लिए बनाई थी, सोचो तुम्हारे लिए बनाया। सर जी, when will you grow up? अरे, these are my childhood buddies. अच्छा, so क्या हो रहा है? What's happening? बस, next Sunday को मैं चली जाऊंगी। अगले कोर्स की क्लासेस शुरू होने वाली है। कल क्यों नहीं चली जाती? क्या मतलब? मतलब ये कि जान छुड़ा के भागने के लिए कल का दिन भी बुरा नहीं। I hope you're kidding. I am certainly not kidding. ये तो समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुमने सरमत की हालत देखी है ना, तो अगर टूट गया तो मुझसे अकेले समेटा नहीं जाएगा। उसे समेटने की गलती मत कीजिएगा। जो आदमी खुद से जुड़ ना सके, उसे टूटने का कोई हक नहीं है। मैंने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं अंकल, एक बात आप मुझसे भी सीखे। दिल अगर शीशे की तरह हो तो उसे टूटना पड़ता है, और टूटे हुए दिल के बाद जिंदा रहना हो तो उसे जोड़ने का हुनर आना चाहिए। Well said. Very well said. और अगर मैं फिर भी कहूं कि कुछ दिन रुक जाओ तो तुम संडे को चली जाओगी? मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहती। जुड़ता हुआ तो देखोगी। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। जानता हूं वो कोर्ट चली जाएगी, सिल्लत होगी मेरी, लेकिन शायद मैं उस वक्त ज्यादा जलील होता हूं जब कोई मेरे टूटने और जुड़ने की बात करता है, और उस वक्त भी जब कोई ये कहता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। तुम्हें अभी लगता है कि तुम्हें चले जाना चाहिए? मुझे अभी शायद यहां नहीं आना चाहिए था। क्यों? मैं डिवोर्स के नाम पर पापा को तड़पते हुए नहीं देखना चाहती। वो पापा है, वो तो तड़पेंगे। मुझे अपनी खुशी में अपने पापा का तड़पना अच्छा नहीं लगता। उन्हें ये बात धीरे धीरे समझ आएगी कि तुम कितनी खुश हो, और जब ये तय हो जाएगा कि तुम खुश हो तो सब खुश हो जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं खुश हूं। तुम उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझती। उन्होंने आज तक किसी लड़की को डिवोर्स के नाम पर मिठाई बांटते नहीं देखा। जब तुम ऐसा करोगी तो सबको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है, और फिर शायद डिवोर्स के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। तंस कर रही हो तुम? नहीं, मैं भी पापा की तरह तुमसे जरा दूर खड़ी ये जानने की कोशिश करी कि तुम कितनी खुश हो।
मैं बहुत खुश हूँ रुबाब। सरमत को छोड़ने का जरा भी दुख होता तो आज मैं वहीं होती। मैं वहां रही पर मैं वहां नहीं थी। किसी को दूर जाना हो तो रास्ते में सस्ताने के लिए थोड़ी देर बैठ जाता है, और जहां वो थोड़ी देर बैठ जाए वो मंजिल नहीं होती। चलो मैं तुम्हें मिसाल देके समझाती हूँ। तुम्हें याद है मैं मॉरिशियस गई थी? मॉरिशियस के लिए यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलते, बॉम्बे कनेक्ट करते हैं। तो मेरी प्यारी बहन रुबा, अगर मॉरिशियस जाते हुए मैं कुछ देर के लिए बॉम्बे रुक जाऊँ तो मत समझो कि बॉम्बे मेरी मंजिल थी। जल गई मेरी सब बतियां, लंबी हुई कारी रतियां, जाने जिगर है कितनी दूर।